नमस्कार। बहुत ही अच्छा दिन है आज बुंदेलखंड के, बहुत ही शिक्षा के सागर कहे जाने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी का आज 129वां जन्मदिन है। वो बड़े धूमधाम से सब लोग, ये देखें पूरे विद्यालय में कितनी रौनक है और सभी लोग आज इस जन्मदिन को यादगार मना रहे हैं। इसमें बच्चे बच्चियां बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इतनी अद्भुत झांकियां हैं, एक से एक पूरे राठ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज ना कि राठ में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में स्वामी जी के चाहने वाले, स्वामी जी को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले लोग लगातार स्वामी जी के इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। स्वामी जी की हम कर्म स्थली ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ में हैं और ये बच्चे सब लोग देखेंगे कि सेल्फी ले रहे हैं और नमन कर रहे हैं स्वामी जी को। चारों तरफ का दृश्य दिखा पाए श्री किसान, बहुत अच्छा है। आज शायद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी आना था, अभी सुनिश्चित नहीं है, देखते हैं शामिल हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन स्वामी जी की हर वर्ष की भांति बहुत ही खास ये जन्मदिन और सब लोग बहुत ही तैयारी से, सुबह का वक्त है, भजन चलते हुए सबके चेहरे खुले हुए। और स्वामी जी का जन्म 1894 में ग्राम बरहारा में हुआ था, जो हमीरपुर जिले में पड़ता है। और आज ही के दिन 129वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और शिक्षा के सागर कहे जाने वाले स्वामी जी, ये छोटे छोटे से झरने उसी सागर में मिलकर इसी शिक्षा में हैं, यहीं से पढ़े बढ़े। और देखें एक से एक लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज का कैसा यादगार रहा है? नमस्कार सर। भैया नमस्कार। कैसा आज 129वां जन्मदिन है, कितना आ जाए भाई साहब, आ जाए। आज 129वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, स्वामी जी के विचारों पे चलने वाले हैं, कितना खास होने वाला है। हमारे साथ अजेंद्र भैया हैं और थोड़ा सा म्यूजिक बंद कर दें भाई साहब। कैसा लग रहा है आज स्वामी जी की कर्मस्थली 129वां हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं? आज जन्मदिन के अवसर पर तो यहाँ बहुत ही अच्छी रौनक भी है और सभी क्षेत्रवासियों को दिल से प्रसन्नता है। हर वर्ष की भांति देखें सभी लोग से हैं, स्वामी जी को नमन करके इसके बाद पूरे राठ में जो सजाया गया है राठ को, पूरे राठ में सब लोग परिक्रमा लगाने वाले हैं, पैदल सभी लोग पूरा स्वामी जी के जन्म दिवस पर जितने भी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, स्वामी जी के शिष्य हैं, वो सभी पैदल मार्च करके पूरा राठ का भ्रमण करेंगे। पिताजी की कोई यादें रही हो स्वामी जी की, जो आज के दिन खास शेयर करना चाहे, कोई घटना है, कोई एक घटना बता दें हमारे देखने वाले सुन लें, क्योंकि बड़े लल्लू कनकुआ वाले सबकी याद है, पता है इतनी कम उम्र में वो विधायक बन गए थे, आज उनके बेटे और वो भी सांसदी की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं भाई साहब यादें बताएं पिताजी की, स्वामी जी को लेके कुछ बताते हो आप छोटे। हमारे पिताजी जब विधायक बने तो स्वामी जी की ही देन थी जी, जबकि वो उम्र में 3 महीने कम भी थे 23 वर्ष में, अच्छा 3 महीने कम थे, अच्छा। तब उस पर पिटीशन भी दायर हुआ था, अच्छा। लेकिन हमारा परिवार स्वामी जी की शरण में रहता है और जो राजनीति है हमारे परिवार में वो सब स्वामी जी की ही देन है। बहुत अच्छा लगा भाई साहब बात करके, आप भी आज इस दिन को कितना यादगार बनाना चाहते हैं? आज के लिए ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि स्वामी जी जैसे महापुरुष इस राठ क्षेत्र में बरहरा गांव में जिन्होंने जन्म लिया, उनके जन्मोत्सव पर आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। मेरे पिताजी स्वामी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे और मैं छोटे में स्वामी जी के साथ कुटिया में भी गया हूँ, वहाँ पे तो स्वामी जी प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ खिलाते थे और स्वामी जी एक ऐसे शायद त्यागी पुरुष हैं कि विश्व में इनके मुकाबले कोई त्याग करने वाला नहीं मिलेगा। स्वामी जी लिए हमारे इस क्षेत्र के लिए तो वरदान है, उन्होंने देखो इतना शिक्षा का मंदिर खोला, यहाँ हम लोग शिक्षित हुए तो स्वामी जी की देन है। तो सभी लोग त्याग की मूर्ति, क्योंकि स्वामी जी सबके विचारों में बसे हैं, आज स्वामी जी जहाँ भी हैं हमें हमारे दिल में बसे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, भले ही आप अलग अलग विचारधारा से हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी से हैं, लेकिन आज के दिन सभी स्वामी जी को मानने वाले, स्वामी जी के पूरे राठ में परिक्रमा धूमधाम से घोड़े हाथेबाजी के साथ पूरे राठ की परिक्रमा लगाने वाले थे। तो हम आप देख रहे हैं जनता का राज, बहुत बहुत धन्यवाद।